हमारे दो हमसाए लड़के आए थे हमारे घर में, जिन्होंने बोला था कि गेट खोलो, और डैडी ने बोला था इनको गेट खोलो, इनका गेट खोल दो, क्योंकि वो हमारे हमसाए लड़के हैं, हमारे अपने थे। तो उनके साथ दो और लड़के थे जो बाहर के थे, यहाँ के नहीं थे। उनके चेहरों पे मास्क था और वो मेरे बाप के पास आए। मेरे को लगता था वो मिलिटेंट्स थे। जी हाँ, उनके पास बंदूक थे, उनके पास बंदूक थे। मेरा बाप दरवाजे पे खड़ा था, मेरा बच्चा उसकी गोद में था। तो उन्होंने मेरे बाप को अंदर लिया, बोला आपसे बात करनी है। तो उसने बोला मुझे पता है आप मुझे गोली मारने आए हो, आप मार सकते हो। उन्होंने बोला हम गोली मारने नहीं आए, हम आपसे बात करने आए हैं। तो इतने में क्या हुआ कि वो बैठे नीचे, उन्होंने पानी पी और मेरे बाप को बोला आपके साथ हमें बात करनी है अंदर। बाहर से उनका दरवाजा बंद किया तो उसको अंदर गोली मार दी उन्होंने सर में। आप कहां पे थे उस टाइम? कमरे में ही थे। अभी क्या चाहते हो? उसके साथ में कौन-कौन थे जो मिलिटेंट, उनके साथ कौन-कौन थे? उनके साथ हमारे दो हमसाए लड़के थे, दो भाई थे, मेरे दोस्त है, मेरा दोस्त है, मेरा बहुत करीबी दोस्त है। मेरे बाप का तो अफसोस नहीं है जितना उसके धोखे का अफसोस है। उसने मुझे धोखा दिया इस दोस्त ने, मेरे दोस्त ने उसको मरवा दिया। मेरे बाप के मरने का अफसोस उतना नहीं है जितना उस दोस्त का अफसोस है, क्योंकि वो पता, सबको पता ही है वो हिंदुस्तान के साथ था। हमें पता था कभी ना कभी तो उसको पाकिस्तान वाले मार ही देंगे, लेकिन मेरे दोस्त के हाथ वो मर जाएगा इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। मेरा हिंदुस्तान के साथ था तो वो तो सबको पता ही है कि पहले हुआ करते थे, जिनको आप कुछ बोलते हो कुछ नाम देते हो उनके साथ था वो, उसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन पिछले 10 साल से वो घर में था, 10 साल में उसको कभी कुछ नहीं हुआ, सड़क पे घूमता था, कोई उसके साथ टच नहीं करता था। तो मेरे दोस्त ने उसको मरवा दिया। अभी क्या चाहिए? मेरे बाप का एक FIR था 302 सदरकोट केस का, जिसमें वो मतलब उसका नाम आया था उसमें। आप सुनिए, दैट वाज ट्रू कि मेरे बाप का FIR था 302 जो सदरकोट केस का था। वो तो सबको पता है, उसने किया है नहीं किया है तो वो तो पता नहीं, लेकिन केस तो था। उसकी वजह से उसकी सिक्योरिटी हाई कोर्ट ने मतलब उठाई थी।